सो फाइनली यामाहा कंपनी भी अब 125 सीसी सेगमेंट की बाइक्स को लॉन्च करने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि अभी फिलहाल यामाहा कंपनी के पास 125 सीसी सेगमेंट में जो है एक भी बाइक नहीं है, और हमारे इंडियन मार्केट पे 125 सीसी सेगमेंट की जो बाइक्स का डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यामाहा कंपनी भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी एक 125 सीसी सेगमेंट की बाइक को लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम दोस्तों यामाहा कंपनी यामाहा FGS 125 भी रख सकती है। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को यामाहा की ओर से आने वाली ऑल न्यू यामाहा FGS 125 के बारे में बताने वाला हूं कि यहां पर यामाहा कंपनी इस बाइक को कब तक लॉन्च करेगी तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ होने वाली है, साथ ही साथ बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यामाहा की ओर से आने वाली ये जो 125 सीसी सेगमेंट की बाइक होने वाली है, ये दोस्तों एक 125 सीसी सेगमेंट की प्रीमियम बाइक होने वाली है, जिसपे कि दोस्तों आप लोग को सभी चीज़ें जो है प्रीमियम देखने को मिलेंगी। लाइक गाड़ी का जो ब्रेक है वो भी आप लोग को प्रीमियम ही देखने को मिलेगा, सस्पेंशन सेटअप वगैरह भी आप लोग को प्रीमियम ही मिलेगा। इसके अलावा बाइक में जो फीचर्स वगैरह हैं वो भी आप लोग को प्रीमियम ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को इस FGS 125 के फीचर्स के बारे में ही बताता हूँ। तो बाइक पर दोस्तों आप लोग को फुल्ली डिजिटल का मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसपे कि दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑब्वियसली तो मिलने ही वाली है, क्योंकि यामाहा कंपनी अपने सभी बाइक्स पे जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देती है। तो इस FGS 125 पे भी आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों इस बाइक पे जो आप लोग को टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों लाइटिंग के बारे में बताऊँ तो फ्रंट पे आप लोग को LED का मिलेगा, रेयर पे भी LED का मिलेगा, बाकी इंडिकेटर्स के बारे में बताऊँ तो वो आप लोग को हेलोजन टाइप में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ तो फ्रंट पे जो है आप लोग को टेलीस्कोपिक का मिलेगा, और रेयर पे दोस्तों आप लोग को मोनो का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। बाकी इस बाइक के ब्रेक्स के बारे में बताऊं तो रेयर पे दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे तो ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा, बट फ्रंट पे दोस्तों बाइक पे जो आप लोग को डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, जो कि दोस्तों हो सकता है कि बाइक पे आप लोग को सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी पे जो आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टेन इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बाइक पे दोस्तों आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि यामाहा कंपनी आप लोग को इस बाइक पे भी TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफर कर सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इस बाइक पर जो है काफी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफी सारे प्रीमियम फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को इस बाइक के इंजन के बारे में बताऊं तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को ऑल न्यू 125 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों BS6 फेज 2 वाला इंजन होने वाला है, जिसपे कि दोस्तों आप लोग को OBD2 सेंसर भी मिलेगा। साथ ही साथ बाइक पे आप लोग E20 यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर दोस्तों इस बाइक पे जो है काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है, तो इस वजह से बाइक का जो प्राइस है वो आप लोग को थोड़ी सी महंगी देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग दोस्तों 1,40,000 रुपये के अराउंड में आप लोग को इसका ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को इस बाइक के लॉन्चिंग के बारे में बताऊँ तो इस बाइक को जो है इसी साल 2023 तक में जो है हमारे इंडियन मार्केट पर लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी अब आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग को ये जो यामाहा की ओर से आने वाली FGS 125 है ये आप लोग को कैसी लगी, और आपका क्या ओपिनियन है इस बाइक को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।